विजयदशमी के दिन सुबह गोरक्षापीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने मंदिर के शक्तिपीठ में मां जगत जननी की पूजा अर्चना की। फिर मंदिर के गर्भगृह में महायोगी गोरखनाथ जी के समक्ष हाजिरी लगाई। गर्भगृह में ही उन्होंने विशिष्ट पूजन किया। फिर करबद्ध होकर श्रीनाथ जी और सभी देव विग्रहों की परिक्रमा भी की और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की। विजयदशमी की रात गोरखनाथ मंदिर में गोरक्षापीठाधीश्वर अदालत लगाएंगे और उसमें वो नाथ परंपरा के अनुरूप दंडाधिकारी के रूप में सिपन से जुड़े संतों के आपसी विवादों को भी सुलझाएंगे। राम मनोहर लोहिया की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सभी को विजयदशमी और नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और कहा कि बिहार श्रेष्ठ हो और भारत श्रेष्ठ हो। ट्रेन दुर्घटना पर कहा कि स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है, घायलों का इलाज चल रहा है। सभी लोगों को शुभकामना देता हूं कि विजयदशमी के शुभ अवसर पर ये बिहार श्रेष्ठ हो, भारत श्रेष्ठ हो और सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय हो। ये आज वही दिन है जिस पर रावण का वध एक तरह से हम लोग राम भगवान पुरुषोत्तम राम के नेतृत्व में भारत श्रेष्ठ देखिए लगातार आप देख रहे होंगे। कल एरोप्लेन की स्थिति ये थी कि वो एक तरह से एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन पायलट के सूझबूझ से और जो भारत में जो नए टेक्निक आए उससे बचाने का काम किया। सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय हो। ये आज वही दिन है जिस पर रावण का वध एक तरह से हम लोग राम भगवान पुरुषोत्तम राम के नेतृत्व में भारत श्रेष्ठ। देखिए लगातार आप देख रहे होंगे कल एरोप्लेन की स्थिति ये थी कि वो एक तरह से एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन पायलट के सूझबूझ से और जो भारत में जो नए टेक्निक आए उससे बचाने का काम किया और स्वाभाविक है जो रेल दुर्घटना हुई है। ये 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और 1 वास्तुविहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार। सेवा में है वास्तुविहार।